कोविड के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे प्रदेश भर में अपनी बेड कैपेसिटी और बेड कैपेसिटी के साथ साथ में पेशेंट को हर तरह की इलाज की सुविधा जिसके माध्यम से उपलब्ध हो सके, ऐसे स्थान हमने चयनित किए हैं। उसमें कांगड़ा ज़िला, जो प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है और कोविड के मामलों के हिसाब से भी इस ज़िला का नंबर जो है, इस ज़िले में जो नंबर है कोविड का, जो पॉजिटिव केसेस का, वो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। हालांकि अभी तक हमारे पास हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के अतिरिक्त हम जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अतिरिक्त हमने जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पपरोला, विवेकानंद, ये सारे स्थान निर्धारित किए हैं कोविड के मामलों को लेकर के ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि ये मामले नहीं रुक रहे हैं, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी सूरत में हमको बड़ा प्लान करना चाहिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश में हमने 4 जगह बड़े प्लान्स किए हैं, जिसमें कांगड़ा में ये स्थान है जहाँ राधा स्वामी का ये हमारा एक स्थान है और इस स्थान पर पहले से ही स्ट्रक्चर जो बना हुआ है और यहाँ इस स्थान को हमने अनुमति ली है और यहाँ पर 250 बेड की कैपेसिटी के साथ शुरू कर रहे हैं और ये कैपेसिटी आने वाले समय में ज़रूरत के मुताबिक 500 भी हो सकती है, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो 1000 और 1000 से ऊपर भी। उस दृष्टि से यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं, कल से काम की शुरुआत होगी कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामलों में जब से बढ़ोतरी हुई है, लगातार हम फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करते हुए, उनको बढ़ाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि हम जो पेशेंट हैं उनके लिए बेहतर सुविधा दे सकें। फिर भी मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि संकट बड़ा है, कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा है और सारी व्यवस्थाएँ जो हैं उसमें छोटी पड़ रही हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज की तारीख में, और उस सूरत में जितना पॉसिबल हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कल कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, आज ऑल पार्टी मीटिंग है शिमला में। हम चाह रहे हैं कि सब लोगों की सलाह चर्चा करने के बाद ही कुछ निर्णय को लेकर के आगे बढ़ें, कल कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय करेंगे। चर्चा होगी और डिटेल में डिस्कशन इसमें डिपेंड करती है सारी सिचुएशन को लेकर के। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में सर्च बहुत ज़्यादा है, नंबर बहुत ज़्यादा है और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में कंपैरेटिवली कम है, तो ऐसी सूरत में जो निर्णय करना होगा उसको उसके मुताबिक हम डिसाइड कर लेंगे और जो भी निर्णय होगा कल कैबिनेट में चर्चा करने के बाद हम उसको अंतिम रूप देंगे। वैक्सीन की हिमाचल प्रदेश में जो व्यवस्था चल रही है उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल नियमित रूप से व्यवस्थित ढंग से सारा वैक्सीन का अभियान हमारे चला हुआ है। हमारे जो 18 साल से 45 साल का जो नया अभियान जो वैक्सीन का तय हुआ है उसको हम हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए हमने पहले ही तय कर दिया है, पहले ही कह दिया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन हिमाचल प्रदेश के इस कैटेगरी के लोगों को भी देंगे, गवर्नमेंट उस खर्चे को बियर करेगी। जहां तक कुछ दिन पहले मैंने भी एक वीडियो देखी कि एक महानुभाव, मुझे नहीं मालूम कहां के हैं, वो जा करके वार्ड में वीडियो बना रहे थे और वार्ड में वीडियो बना करके जिस प्रकार से वो पेशेंट को पूछ रहे थे कि आपको ऑक्सीजन कितने दिनों से नहीं है, ये ऑक्सीजन कितने दिन से बंद है, तो माताजी ने कहा कि 3 दिन से बंद है। अगर 3 दिन से ऑक्सीजन बंद होती तो वो तो पेशेंट की सर्वाइवल पॉसिबल थी क्या? जब पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट रूम एयर पे कंफर्टेबल है, रह रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में उसको हर जो भी पेशेंट होगा उसको ऑक्सीजन ही लगानी है। वो बहुत शरारतपूर्ण तरीके से जो उस आदमी ने किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की गुंजाइश है और मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ऐसी घटिया हरकतों पर सोशल मीडिया को भी नहीं जाना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा संकट आज की दौर में हमारे सामने है और कुछ लोग ऐसी जो है डॉक्टर अपने जीवन को संकट में डाल करके जो है दिन रात वहाँ पर काम कर रहा है। एक वार्ड बॉय जिसको 8000 रुपये मिलता है और उसके बावजूद भी वो उस मरीज को जो है वो टॉयलेट ले जा रहा है, उसको जो है उसका डायपर चेंज कर रहा है, उसकी चादर चेंज कर रहा है, उसको खाना खिला रहा है, इन बातों को नहीं देखने की आवश्यकता है क्या?
इसलिए मेरा बड़ा साफ जैसा कहना है, ये बातें जिस प्रकार से कुछ लोग शरारतपूर्वक तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संकट इन चीज़ों के लिए नहीं है। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सारे जो जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी और यहाँ तक के समाज, इस सारी इसमें जो है त्रासदी में मेहनत कर रहे हैं, जितना भी संभव सहयोग दे सकते हैं वो दे रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए।